नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी बेटी का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसकी छोटी सी सर्जरी हुई है, तो मैं उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए मैं जा रही हूँ। मैं बैंगलोर जा रही हूँ, लेकिन हमारा फ्लाइट जो है कोलकाता होकर है, क्योंकि फ्लाइट टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थे, फ्लाइट्स भी कम थे इस समय, और जो टिकट्स के रेट थे वो बहुत हाई थे, तो कोलकाता होकर मैं जा रही हूँ। तो देखिए हमारा एयरपोर्ट कैसा दिख रहा है, और मौसम भी इतना बदल ठीक नहीं था, बहुत बारिश और बहुत मौसम ख़राब था। तो हम कोलकाता उतर गए, उतरने के बाद हम इमिडिएटली हम यहाँ पर आ गए, हमें सिक्योरिटी के लिए हम बैंगलोर के लिए सिक्योरिटी में हम आ गए, सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। अब हम फ्लाइट की ओर जा रहे हैं बैंगलोर के लिए, क्योंकि हमारा फ्लाइट 6:30 हम शाम को 6:30 पे हम उसके लिए निकल जाएंगे। फ्लाइट में भी हम आ गए, चारों तरफ नीला 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 पर था। अब देखिए बारिश में हम निकल रहे हैं, हमारा फ्लाइट के लिए रेडी है। रात हो चुकी थी एकदम, और बारिश भी हो रही थी, तो हम यहाँ से तो निकल चुके, कल कोलकाता से हम निकल चुके। अब देखिए हम यहाँ पर लैंड कर चुके, बैंगलोर आ चुके हैं। अब हमारा फ्लाइट बैंगलोर में है, लैंड कर चुका है फ्लाइट। अब अभी लगभग 2 घंटे का सफ़र था हमारा, 8:30 बजे करीब हम बैंगलोर पहुंच गए, और हम जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर लैंड कर लिए, अब हम अपने लगेज के लिए जा रहे हैं, लगेज के लिए खड़े हुए हैं। पर देखिए हमारा सामान आ रहा है, तो हमारा लगेज हमें मिल गया, अब हम निकल रहे हैं। वैसे बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत हलचल बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है यहाँ पे। तो हम अब निकल रहे हैं, तो आप सबों का शुक्रिया, आप सबों का धन्यवाद। आशा है आप सब मुझे समझेंगे और मुझे कोऑपरेट करेंगे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया, धन्यवाद।